हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बात करूंगा मैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का। ये एसी से डीसी में, जैसे कि एसी करंट जो है उसे हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं। इसके लिए ये जो डीसी करंट है उसके लिए यहाँ पर मैं डायोड को लूँगा, और डायोड जो है उसका सैम्बल मैं बता दूँ तो इस तरह से डायोड का सैम्बल बना हुआ रहता है। ये हमेशा आपको इस तरह से डायोड का सैम्बल देखने को मिलेगा, और जब आप डायोड को देखेंगे तो उसमें आपको ये डायोड में देखने को मिल जाएगा कि ये देखें इस तरह से बना हुआ रहता है, और यहाँ पर जो है वो स्लेटी कलर रहेगा और ये टोटल जो है वो ब्लैक से बना हुआ रहता है। तो इस तरह से देखें, और ये डायोड आप देख सकते हैं, ये जो डायोड है और यहाँ जो है इस तरह से इसका कनेक्शन किया हुआ रहता है। इसे हम पॉजिटिव कहते हैं, इसे नेगेटिव, इसी को हम एनोड कहेंगे। इस साइड में एनोड है, इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव से सूचित किया जाता है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, और ये डायोड जिसे हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें, थोड़ा सा हमें डीसी की बात करता हूँ, क्योंकि एसी से हमें डीसी चाहिए। तो डीसी के लिए हम यहाँ पर पहले डायोड को जरा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो डायोड का सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो साइड में देखेंगे इस तरह से सिंबल में बना हुआ, ये इसका नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है, जो मैंने यहाँ पर भी डिनोट किया हूँ। तो अब देखें कि इस साइड से जब मैं पॉजिटिव दूंगा, ये डायोड फिर मैं बना लेता हूँ। ये देखें इस तरह से डायोड है, और इस साइड में जैसे ही मैं पॉजिटिव दूंगा इधर भी मेरे को पॉजिटिव मिल जाता है। इस साइड में डायोड के इस साइड में अगर हम नेगेटिव देते हैं इस तरह से, तो इधर हमको नेगेटिव मिलना चाहिए, बट इधर नेगेटिव नहीं जाने देगा। यही डायोड का काम। ये आपने समझ लिया कि इधर हम पॉजिटिव देंगे इस साइड में पॉजिटिव देगा, इधर हम नेगेटिव देते हैं तो इस साइड में हमें कुछ भी नहीं देगा, ये डायोड जो है इसे रोक देगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इस तरह से सिंबल बना लेते हैं, यानी कि मैं डायोड को इस साइड से पलट दिया हूँ। जब मैं इधर नेगेटिव दूंगा तो इस साइड में हमको नेगेटिव मिल जाएगा, इस साइड में अगर आप पॉजिटिव देते हैं तो इस साइड में पॉजिटिव मिलेगा। तो डायोड का यही वर्क होता है। और अब हम चलिए यहाँ पर एसी से डीसी। हमारा एसी जो है वो हमारे घर में आता है, उसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर से यहाँ पर थ्री फेज आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, और एक जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ये हमारा फेज हो जाता है और ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है। तो इसमें जो एक फेज हम अपने घर में, जो हमारे घर में फेज आता है, इसमें प्लस भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये कैसे होता है ये समझ लें। कभी भी आप कोई भी उपकरण लें, उसमें आपको देखने को मिलेगा 50 हर्ट्ज इस तरह से। तो ये हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे होता है ये देखें। आप जानते हैं कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक लाइन आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो इस तरह से रिमूव करते जाता है। ये देखें, तो ये क्या होता है कि एक सेकेंड में 50 बार ये पॉजिटिव होगा, एक सेकेंड में 50 बार नेगेटिव। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव होते रहता है। तो यानी कि हमारा जो पावर जो आता है हमारे घर में, वो 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव होगा, 50 हर्ट्ज यहाँ दिया हुआ रहता है। तो यही हमारा फ्रीक्वेंसी है, और इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो आता है। तो यही अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर डायोड का यूज करने वाले हैं। मैं ब्रिज रेक्टिफायर बनाऊंगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डायोड बनाता हूँ। ये देखें, ये जो डायोड का सिंबल आप देख रहे हैं, अब इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव है। एक सेकेंड में 50 बार पॉजिटिव और एक सेकेंड में 50 बार नेगेटिव। तो जब मैं इधर फेस का कनेक्शन इसमें ऐड कर दूंगा यहाँ पर, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाला रहेगा वो इधर कनेक्शन दे देगा, जो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा इस तरह से। और जब हम यहीं पर ये डायोड का इसमें जब नेगेटिव आएगा तो ये इधर नेगेटिव जाने नहीं देगा। तो उसमें क्या करेंगे, हम डायोड को इस तरह से पलट लेंगे। तो ये देखें कि डायोड को जब, जैसे ही मैं इसमें डायोड को पलटूंगा और यहाँ से फेज को मैं दूंगा, तो इस साइड से जो नेगेटिव वाला जो रहेगा वो नेगेटिव इस साइड में दे देगा इस तरह से। तो यहाँ पर नेगेटिव भी मिल जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव भी मिल जाएगा। तो ये डायोड का कनेक्शन कैसे करना है एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, चलिए वो कनेक्शन हम बना लेते हैं। यहाँ पर 4 डायोड बना लेता हूँ, और ये देखेंगे कि इसका कैसे कनेक्शन करना रहता है। तो देखें कि डायोड का सिंबल मैं इस तरह से, 4 डायोड का सिंबल मैं इस तरह से बना लेता हूँ।
तो अब देखें कि मैं यहाँ पर चार डायोड का कनेक्शन कर लिया हूँ, और अब देखें इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव को एक साइड में ऐड किया हूँ, ये डायोड का भी मैं एक साइड में ऐड किया हूँ, और इस साइड में भी डायोड का देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव है, और इधर जो है इधर इसका पॉजिटिव है, और ये डायोड का इधर पॉजिटिव है और यहाँ इसका नेगेटिव है। तो इस तरह से मैं डायोड का कनेक्शन किया हूँ, और अब देख सकते हैं कि जहाँ नेगेटिव है यहाँ से आपका प्लस आ जाएगा और यहाँ जो है आपका माइनस आ जाएगा। इस तरह से डायोड को जोड़ा जाता है। अब देखें कि यहाँ पर हम देंगे क्या एसी करंट की सप्लाई, इस तरह से हम एसी करंट की सप्लाई यहाँ से दे देते हैं और एक को हम यहाँ से कनेक्शन दे देते हैं। तो अब देखें क्या होगा, इधर भी फेज है और कनेक्शन दे दिया हूँ, यहाँ एसी सप्लाई इन कर दिया हूँ, इधर फेज दे दिया हूँ, इधर न्यूट्रल दे दिया हूँ। आप चाहें तो न्यूट्रल इधर भी दे सकते हैं, फेज इधर भी दे सकते हैं, इसे किसी भी तरफ भी रखें वर्क वैसे ही करेगा। तो अब देखें क्या होगा, इधर से जैसे ही लाइन इन होगा तो यानी कि आप जान रहे हैं कि एक सेकेंड में 50 बार ये पॉजिटिव दे रहा है और एक सेकेंड में 50 बार नेगेटिव दे रहा है। तो अब देखें इधर से मान लीजिए कि अगर ये सप्लाई दे रहा है तो यानी कि इधर नेगेटिव भी जा रहा है पॉजिटिव भी जा रहा है, तो इधर जब पॉजिटिव जाएगा तो ये जो है माइनस का चिन्ह आ गया, इधर साइड में ये पॉजिटिव जाने नहीं देगा और इस साइड में जो है ये इसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को इधर पॉजिटिव दे देगा। तो इस तरह से ये जो पावर है ये इस तरह से इधर चला जाएगा इस तरह से होते हुए, तो यहाँ हमारा मिल जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया। अब ये देखें इधर इधर जाने नहीं देगा, तो इधर जब भी जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, तो इस तरह से होते हुए यहाँ पर मिल जाएगा पॉजिटिव। और अब देखें इधर से जो नेगेटिव इसमें होगा वो नेगेटिव जो है वो इस तरह से होते हुए इसमें चला जाएगा और इस साइड में हमें मिल जाएगा नेगेटिव, और इस तरह से ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। जैसे ही 50 एक सेकेंड में 50 बार जो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो इसमें से पॉजिटिव इस साइड में चला जाएगा और नेगेटिव जो है वो डायोड के इस साइड से होते हुए यहाँ पर चला आएगा। तो हमें इस साइड से यहाँ पर एक पॉजिटिव का मिल जाएगा और इस साइड से हमें यहाँ पर नेगेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है और यहाँ पर नेगेटिव मिल जाएगा। इस तरह से डायोड वर्क करता है। आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये देखा आपने कि ये जो डायोड है इसका मैं यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हूँ, और मैं आपको यहाँ पर एक दिखाऊंगा ब्रिज रेक्टिफायर जो इस तरह से है, ये स्लेटी कलर का, ये इस साइड में पॉजिटिव देगा और ये जो स्लेटी कलर का देख रहे हैं और यहाँ पर भी जे दोनों को मैं एक साइड कनेक्शन किया हूँ जो सेम इस तरह से किया हुआ है, जो पॉजिटिव इस साइड में मिलेगा और यहाँ पर जो देख रहे हैं जहाँ पर ब्लैक साइड का है यहाँ से एक वायर का कनेक्शन में किया हूँ, और इन दोनों में मैं येलो वायर को कनेक्ट किया हूँ जो डायरेक्ट एक फेज एक न्यूट्रल से कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखें कि एक फेज, आप चाहें तो फेज इधर भी दे सकते हैं न्यूट्रल इधर भी दे सकते हैं, आप किसी भी साइड में दें आपको पॉजिटिव यहीं से मिलेगा और नेगेटिव यहीं से मिलेगा। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे बनाना है, डायोड का कनेक्शन कैसे करना है वो भी आपने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और भी लाऊंगा, अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।